हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी। ये चैप्टर आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से ली गई है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक्स थोड़ा बता दूं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फिर ऑफकोर्स ये चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। मैनुफैक्चरिंग, उसके किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टाइप क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेथड, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सब हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्सेस मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस पे हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है, देखो सेम ही वर्ड आपको लग रहा होगा लेकिन आप थोड़ा देख फोकस करो कि मैंने यहाँ पे ऐसे करके मार्क किया है और यहाँ पे आप देखो मैंने पूरे इस दोनों ही टर्म को मैंने लेकर मार्क किया, क्यों ऐसा। और हम लोग फिर देखेंगे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और फाइनली एंड में हम लोग देखेंगे कि जो भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये ज्योग्राफी वाइज किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है कि इकोनॉमिक कोई भी काम, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं इसके थ्रू हम लोग अगर कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर हम लोग मनी अर्न कर रहे हैं, वो वर्क की नेचर अलग अलग हो सकती है ना। इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो वो सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। हम लोग ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं, हम लोग बेसिकली इसको क्लासिफाई करते हैं कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आपने अपने टर्म वन के सिलेबस में पढ़ लिया था तो ये तो दोबारा नहीं देखना है। सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ये तीनों ही आपके टर्म टू के सिलेबस में है तो आपको इसको समझना है। तो ये सभी का थोड़ा सा ब्रीफ में एक एग्जाम्पल से हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लो एक फार्मर ने वीट ग्रो किया, फार्मर ने वीट ग्रो किया तो ये तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। अब इस वीट को किसी फैक्ट्री ने, किसी बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या किया कि इस वीट को लिया, अब वीट को बना दिया बिस्किट। तो वीट को जो बिस्किट बनाया कहां बनी होगी, फैक्ट्री में बनाई गई होगी, फैक्ट्री में वीट को बिस्किट बनाया गया होगा। तो यानी कि ये है सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर इस बिस्किट को मान लो कहां पहुंचाना है, मार्केट में पहुंचाना है, मार्केट में सेल होगी। तो बिस्किट को कुछ ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यूज कर, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का यूज करके इसे पहुंचाया गया मार्केट, है ना। तो बिस्किट को मार्केट पहुंचाया गया, ये एग्जांपल हो गई टर्शियरी की। और फिर ये बिस्किट जब बनाई कंपनी ने, तो कंपनी एक ऐसा बिस्किट बनाना चाहती थी कि जिसका टेस्ट बहुत ही यूनिक सा हो, सभी से अलग हो, उसमें बहुत सारे मसाले, बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं, कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं, इसके लिए कंपनी की एक लैब होगी। उस लैब में लोग रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, तो वहां पे काफी सारा रिसर्च एक्टिविटी होगा कि बिस्किट को और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो ये सब कुछ आ जाएगा क्वार्टरनरी एक्टिविटी में, है ना। क्वार्टरनरी एक्टिविटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह जो वर्क है वो होती है। अब ये जो एक्टिविटी देख रहे हो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, इसको भी हम लोग फर्दर इसके हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी में अगर आप देखो तो प्राइमरी में आप एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब देख सकते हो। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे सेकेंडरी में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये आएगा। टर्शियरी में अगर आप देखोगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेस, ये आएगी, ठीक है। और फाइनली क्वार्टरनरी में अगर आप देखोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, ये आएगी। इन सभी एक एक जो टॉपिक जो आपको नजर आ रही है ना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है इस पूरे चैप्टर में यही करना है हमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वार्टरनरी हो, ठीक है, ये सब कुछ में बेसिकली करते क्या है, इसमें हम लोग कुछ रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, कुछ रिसोर्सेस को यूज करते हैं। पहले उसको हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको यूज करते हैं, और यूज करके हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए उनको यूज करते हैं। हम लोगों ने वीट को यूज किया, उससे हम लोगों ने रोटी बनाई, चापाती जो है वो बनाई अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि खा के उसको जिंदा रहे। दैट मींस हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ये इन्हीं सब एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी के आसपास जो है ये रिवॉल्व होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपरली डिटेल में। तो क्योंकि चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी है तो आगे डिस्कशन सेकेंडरी एक्टिविटी की होगी।
टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। देखो सेकेंडरी एक्टिविटी होती क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी बेसिकली करता क्या है, तो इसमें होता यह है कि हम लोग वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस में बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल को हम लोग किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। ये पूरा लाइन क्या है, मैं एक अगेन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वीट था, मान लो 1 kg वीट, 1 kg वीट की प्राइस कितना, मान लो ₹15, ₹15 1 kg वीट था, ये था रॉ मटेरियल है ना जो फार्मर ने ग्रो किया। अब इस वीट से 1 kg वीट से कितने बिस्किट बनेंगे, मान लो 50 बिस्किट बन गए, 50 बिस्किट बन गए। अब एक बिस्किट की प्राइस कितनी होगी, मान लो ₹2, तो 50 बिस्किट की प्राइस कितनी हो गई, ₹100। तुम देखो 1 kg वीट ₹15 का था, लेकिन इसी 1 kg वीट को हम लोगों ने बिस्किट जब बना दिया तो उसकी प्राइस हो गई ₹100। मतलब देखो वैल्यू काफी बढ़ गया। तो वही यहां पे बोल रहे हैं कि हम लोग रॉ मटेरियल को लेकर के हम लोग उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, हम लोग उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐड वैल्यू है ना, हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसमें, नेचुरल रिसोर्सेस में। वीट एक नेचुरल रिसोर्स है, फार्मर ने ग्रो किया है, तो ये हम लोग करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। और ये सेकेंडरी एक्टिविटी में ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, तो इसमें बेसिकली तीन चीजें जो है आती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं कुछ, हम लोग प्रोसेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में कौन कौन सी चीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा आपको, आप लोग की कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल से देखो, जैसे कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल किसने ग्रो किया होगा, फार्मर ने ग्रो किया होगा। कॉटन बॉल मतलब जिससे कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना। अब इस ये तो प्राइमरी एक्टिविटी वाली चीज होगी, है ना, कॉटन बॉल फार्मर ने ग्रो किया होगा, लेकिन इस कॉटन बॉल को यार्न में कन्वर्ट कर दिया गया। आप लोगों ने अपने जरूर ग्रैंड मदर्स वगैरह को देखा होगा कि उन लोग जो है वो लोग धागे बनाते हैं, है ना, जैसे वुल जो होती है, उल जो होती है, शीत ठंडे के टाइम में, विंटर के टाइम में हम लोग देखते हैं कि उससे जो है स्वेटर वगैरह बनाने के लिए यार्न होती है ना गोल गोल, तो वैसे ही कॉटन बॉल से यार्न बनाई जाएगी। ये तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। और फिर इससे बनाई जाएगी क्या, क्लोथ, कपड़े बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये यार्न बनाने का प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्लोथ्स बनाने का प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी है। एक दूसरा एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, मान लो जैसे आयरन ओर है, तो आयरन ओर निकालने का जो प्रोसेस जो होता है माइनिंग, माइनिंग कौन सी हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी। अब इस आयरन ओर से आपने बना दिया स्टील, आपने स्टील बना दिया, तो स्टील आपने अगर बना दिया तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकेंडरी एक्टिविटी। और अपने आप वैल्यू एड कर रहे हो, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिर हम लोग उससे मशीन्स बना देंगे, है ना, बहुत सारी मशीन जो है हम लोग वो बनाएंगे, तो मशीन जो हम लोग ये बना रहे हैं तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल था, आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो हम लोगों ने ये देखा कि सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, है ना। तो समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग है क्या, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। हम लोगों ने जैसे वीट को कन्वर्ट कर दिया था बिस्किट में, वीट रॉ मटेरियल है, अब बिस्किट क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। तो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफ कोर्स वैल्यू हाई होती है। आप याद करो ₹15 था वीट का, अब बिस्किट का ₹100 था, सेम। तो हायर वैल्यू वाली एक रॉ मटेरियल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन फिर उसको हम लोग सेल करते हैं, लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर डिस्टेंट काफी दूर के मार्केट में भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस जो होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप यहाँ पे आप देखो, हो सकता है आप अपने हाथ, कोई पर्सन अपने हाथ से कोई चीज बनाता हो, है ना, हाथ से पंखे बनाते होंगे। आप अपने घरों में देखते होंगे कि काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे खिलौने जो है वो हाथ में से बनाई जाती है, काफी सारे छोटे मोटे चीजें जो है वो हाथ से बनाई जाती है, घरों में लोग बनाते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो है कि प्रोडक्शन किया जाता है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से चीज बनाई जाती है, हाथों से बैग बना दिया सिल के, ठीक है, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई। या फिर तो ये तो घर में होता है ना, या फिर एक बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दिया जाए, है ना, अब वहां पे जो है आयरन बनाया जाए, स्टील बनाया जाए, वहां पे प्लास्टिक के टॉयज बनाए जाए, ठीक है, तो ये सब भी तो मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक हो सकता है ना, घरों से भी, घरों में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो सकती है, और हो सकता है बहुत बड़ी से फैक्ट्री में, बहुत बड़ी एरिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती हो। ऑफकोर्स जहां पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, वहां बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, बहुत सारे मशीनें होंगी, बहुत सारे असेंबली लाइंस होंगे। असेंबली लाइंस क्या होता है, समझाऊंगा मैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ होता है वहां पे, प्रॉपर प्लेस होगा व्हीकल पार्किंग के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों ही है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ये छोटी वाली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बड़ी वाली जो है, इसमें क्या कॉमन है देखते हैं थोड़ा। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पावर, जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो जनरली हमें कुछ ना कुछ पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। आप आयरन बनाओगे तो वहां पे आपको हो सकता है कोल जलाना पड़े, कोयला जो है वो जलाना पड़े, कोल बर्न करना पड़े, तो वो आप पावर यूज कर रहे हो। या फिर हो सकता है आप कुछ और चीजें बनाओ, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स होगी, है ना। घरों में भी आप करोगे तो ऑफकोर्स अंधेरे में तो बैठ के नहीं करोगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप कोल जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, कुछ पावर की सोर्स चाहिए आपको, ठीक है। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वहां मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। मास प्रोडक्शन का मतलब एक ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब ये सेम जैसी दिखने वाली चीजें। अब मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारी बनाई जाएगी, मतलब एक ही टाइप की चीज दो तीन नहीं बनाएंगे, एक ही टाइप की दिखने वाली चीज जो है वो मान लो हजारों बनाएंगे, लाखों बनाएंगे, है ना। कोई एक बड़ी कंपनी जो मोबाइल बनाती है वो क्या सिर्फ एक ही मोबाइल बनाती है? नहीं, वो अपने फैक्ट्री में लाखों मोबाइल बनाती होगी, है ना, लाखों मोबाइल बनाती होगी। तो मास प्रोडक्शन करती है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, अच्छा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बड़ी वाली जो जो बिग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होती है ना उसकी है ना, जो हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडक्राफ्ट जो हाथों से बनाती है उसकी नहीं है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती है वहां पे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है। ये क्या है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब ये है, मान लो जैसे मोबाइल बनाने की अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पे कोई एक पर्सन होगा वो सिर्फ मोबाइल की बैटरी पे काम करता होगा, वो थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ बैटरी पे ही काम करेगा मोबाइल की। एक और पर्सन होगा वो मोबाइल की स्क्रीन पे ही काम कर रहा होगा। एक और दूसरा पर्सन होगा उसका काम होगा सिर्फ कंपोनेंट को जोड़ना है। एक और पर्सन का नाम होगा जिसको जो है वायर लगाने हैं, ठीक है। तो मतलब सभी लोगों का अपना अपना काम है, सिर्फ उसी काम को काफी लंबे टाइम से वो लोग करते आ रहे हैं, मतलब काफी स्पेशलाइज हो जाएंगे। जैसे कार बनाने की अगर फैक्ट्री है ना, तो वहां पे आप देखोगे एक पर्सन का काम होगा जो क्या करेगा, कार में सिर्फ जो व्हील होते हैं ना, चक्के जो होते हैं, व्हील जो होती है, व्हील को ऐड करेंगे। एक पर्सन का काम होगा जो कार को पेंट करने का काम करेगा। ऑफकोर्स एक पर्सन नहीं होगा, काफी सारे लोग होंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ वही पेंट करने का ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन कार को पेंट कर रहा है वही जाके उसमें वायर भी लगा रहा है, वही जाके उसमें व्हील्स भी लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है। और ये जो चीजें होती है उसमें हम लोग देखेंगे, अब तुम सोचो तुम एक मोबाइल खरीदोगे, है ना, तुम या फिर एक कार खरीदोगे, तो तुम्हारा कार सेम ही कंपनी का सेम ब्रांड का कार ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा कार थोड़ा सा अलग दिखता है, ये साइज का दिखता है, तुम्हारा फ्रेंड का कार थोड़ा सा लंबा दिखता है, ऐसा होगा क्या? नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनकी प्रोडक्ट बहुत ही स्टैंडर्ड होती है, तो यानी कि बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रोडक्ट्स जो है इसको बनाया जाता है, जो कमोडिटीज जो है इसको बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको बेसिकली, हम लोग ने इतना तो जाना, दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक तो है प्रिमिटिव मेथड, प्रिमिटिव मेथड मतलब जो हाथों से बना रहे हैं, ठीक है, जो हाथों से बना रहे हैं, घरों में बना रहे हैं, ठीक है, पुरानी तरीकों से बना रहे हैं। और दूसरा कौन सा है? मॉडर्न पावर एंड मशीनरी, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, रोबोट्स लगा करके, है ना, रोबोटिक्स का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके बना रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। तो मैन्युफैक्चरिंग को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जैसे अफ्रीका में देखोगे, इंडिया, साउथ, आपको साउथ एशिया में दिखेगा, साउथ ईस्ट एशिया में दिखेगा, लैटिन अमेरिका में दिखेगा, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो तो रही है, लेकिन बहुत ही कम। हमारे कंट्री में भी आज के डेट में ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ही इन्वॉल्व है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी जो है ये बहुत ही कम होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो इस कारण से हमें बहुत ही प्रॉपर वे में उनका पिक्चर रिप्रेजेंट करना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का इन कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्रीज में, ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत छोटे छोटे जगहों पे हो रहा है। अब उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, गवर्नमेंट को भी हो सकता है पता ना हो, वो पर्सन हो सकता है अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग करता हो छोटी सी कुछ यूनिट में। और ज्यादातर ये जो प्रिमिटिव वाली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है, इसमें क्या आपको बड़ी बड़ी मशीनें नजर आएंगी, बहुत रोबोटिक्स कंप्यूटर ऐसे नजर आएंगे? नहीं, प्रिमिटिव है, घरों में करेंगे, बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े बहुत प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक बार में थाउजेंड थाउजेंड प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं, 100 बना दिया, 50 बना दिया, उसको सेल किया, फिर ऑर्डर आया तो फिर 100-50 बना दिया, हाथों से काम कर रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन खुद काम कर रहा हो, उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर जो है, उसके बच्चे जो है, या फिर उनकी वाइफ वगैरह जो भी है, वो भी उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करते हो। तो
जो प्रिमिटिव मेथड वाली जो एक्टिविटी होती है बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेस कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत ही आसान तरीका होता है ना, सिंपल सिंपल प्रोसेस होता है, बस उसको करना होता है। ठीक है, जो मॉडर्न लार्ज और मॉडर्न वाली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है उसमें तो काफी सारे रोबोटिक्स होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हम लोग ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, एक पर्सन जो पेंट कर रहा है वो पेंट ही करेगा, है ना। मैकेनाइजेशन होती है, काफी सारे रोबोट्स वगैरह यूज होंगे, कंप्यूटर्स वगैरह यूज होगी, अब बहुत सारी रिसर्च होगी, नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे और प्रोसेस को अच्छा बनाया जाएगा। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन करके। पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि जैसे जहां पे क्राफ्ट होती है, क्राफ्ट मतलब जहां पे हाथों से बनाई जाती है, वहां तो दो चार पीस बनाए जाते हैं, बहुत ही फ्यू पीसेस बनाए जाते हैं। जब ऑर्डर आता है तो 5-10 पीस 100 पीस बना दिए, है ना। एज अ रिजल्ट हम लोग यहां देखते हैं कि इनके केस में कॉस्ट जो है हाई होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है घरों में, तो वहां पे जो है कॉस्ट जो है हाई होती है। लेकिन ये जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, इनके कंपेयर में कम होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सेम टाइप का प्रोडक्ट बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और एक पर्सन एक ही प्रोसेस को बार बार परफॉर्म कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तुम थोड़ा देर के लिए सोच के देखो, एक पर्सन जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से वो कार को पेंट करता हो, वो कितना फास्ट हो गया होगा, है ना। वो तो ऐसा नजर आएगा कि आंख बंद करके साथ कार को पेंट कर दे, ऐसा कुछ, मतलब वो एक ही प्रोसेस को बार बार किए जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रोसेस देखते हैं मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि वहां पे मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ टूल्स यूज करेंगे, हम लोग कुछ गैजेट्स यूज करेंगे, है ना, कुछ मशीन्स रोबोट्स ये सब यूज करेंगे, जिसमें होगा क्या कि हमारी जो प्रोसेस जो है वो काफी जो है मैकेनाइज तरीके से होगी। काफी सारे मशीन, काफी सारे काम जो है वो लोग अपने हाथों से नहीं करेंगे, वो मशीन से ही वो काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेशन जो है मैकेनाइजेशन का ही थोड़ा सा एडवांस स्टेज है ऑटोमेशन। देखो मैकेनाइजेशन में क्या होता है ना, मैकेनाइजेशन में होता है कि मशीन्स यूज होती है ना, मशीन्स यूज होती है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। और ऑटोमेशन में क्या होगी, बहुत ज्यादा मशीन यूज होगी, रोबोट्स यूज होंगे, है ना, रोबोट्स यूज होंगे। आप ना जो कार वगैरह बनाने की जो फैक्ट्री होती है, अगर आप वीडियो में जाके कहीं देखोगे तो आपको नजर आएगा कि रोबोट जो है वही कार को पेंट कर रहे हैं, रोबोट जो है वो कार में व्हील सेट कर रहे हैं, तो सब काफी कुछ रोबोट से हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है वो मैकेनाइजेशन से भी एक स्टेप आगे है, एडवांस तरीका है। ऑटोमेशन में वर्क जो है वो किया जाता है विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। वहां पे आदमी बस अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ रहेगा, बाकी सारे काम जो है वो रोबोट करता चले जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। ठीक है, ऑटोमेशन में क्या होता है, जहां पे जिस कंट्री में ऑटोमेशन, जिस फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन होती है, वहां पे हम लोग देखते हैं एक तो होगा फीडबैक होगा, ठीक है, एंड क्लोज लूप कंप्यूटर सिस्टम होगा। ठीक है, जहां पे मशीन जो है वो सोच पाएगी। अब ये क्या है, ये जो वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो फीडबैक क्या होता है, ठीक है, या फिर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से, मैं यहाँ स्पेस खाली है, अच्छा मैं समझाता हूँ। अच्छा यहाँ पे स्पेस खाली है, मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम, जैसे देखो मान लो एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, इस रूम में मान लो एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी लगा हुआ है, और एसी में टेम्परेचर कितना फिक्स किया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया गया है। अब बाहर का टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, और यहाँ पे एसी सेट किया गया है 25 डिग्री पे। तो एसी क्या करेगा, रूम के अंदर का टेम्परेचर 25 कर देगा, कितना का गैप है, 5 का गैप है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हो सकता है, फिर थोड़ी देर बाद में धूप ज्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर हो सकता है वो 35 हो जाए। तो 35 अगर टेम्परेचर हो जाए तो एसी तो बैठे नहीं रह सकता है ना, एसी को तो 25 करना है। तो पहले तो सिर्फ 5 कम करना पड़ता था, लेकिन अब कितना कम करना पड़ेगा, अब कम करना पड़ेगा 10। मतलब ये एसी क्या करेगा ना, ये लगातार फीडबैक लेता रहेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये लगातार ऑब्जर्व करता रहेगा कि रूम में टेम्परेचर जो है वो 25 है कि नहीं है। क्योंकि एक बार 25 फिक्स कर दिया उसके बाद काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर 35 होगा, यहाँ पर फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो एसी क्या करेगा, लगातार उसमें सेंसर्स होंगे, बहुत सारे सेंसर्स होंगे,
है ना, वो सेंसर्स क्या करेंगे, वो चेक करते रहेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब मान लो टेम्परेचर चेक करेगा कि 1 डिग्री बढ़ गया, यानी कि एसी क्या करेगा और फास्ट चलेगा और फास्ट मूव करेगा, और मूव करके वो क्या करेगा टेम्परेचर को और डाउन कर देगा, 25 कर देगा। तो इस तरह से एक तरह से फीडबैक लेता हुआ चलेगा, और ये एक लूप जैसा नजर आ रहा है ना, ये क्लोज लूप जैसा। यहाँ पे कुछ भी फील करेगा उसका फीडबैक मिलेगा एसी को, और एसी उसको इस तरह से वर्क करेगा। ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है कहाँ पे, जो हमारे न्यू ऑटोमेशंस वगैरह जहां पे होती है वहां पे काफी सारा फीडबैक होता है, काफी सारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। इसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जैसे आप देखोगे एक स्काडा नाम का सॉफ्टवेयर जो है, वो स्काडा सिस्टम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब ये है कि देखो जो मैन्युफैक्चर, देखो स्टार्टिंग में जो है मोबाइल कैसी बनती थी, बहुत ही सिंपल सी, लेकिन धीरे धीरे देखो कितना एडवांस हो गया, अब तो उसमें फिंगरप्रिंट आने लगी है, स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट होता है। पहले था क्या ऐसा, नहीं पहले ऐसा नहीं था मोबाइल में। आप देखो पहले तो मोबाइल इतनी छोटी सी होती थी, इतनी छोटी सी स्क्रीन होती थी, इतने बड़े बड़े बटन्स होते थे, आज देखो पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो मोबाइल में होता है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया जा रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारी जो लाइफ जो है उसको और ज्यादा वो बेहतर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी अपने आप आ जाती है, नहीं, इसके लिए काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद जब वो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नई प्रोडक्ट बनानी है तो लगातार हमें रिसर्च करता रहना पड़ेगा, लगातार हमें जो है वह नई नई चीजें खोजते रहना पड़ेंगी। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या क्या फायदा होता है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल होता है प्रोडक्ट का। मोबाइल मान लो बनाया किसी कंपनी ने, लेकिन वो मोबाइल यूज करने 1 घंटे यूज करने के बाद बहुत हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, मतलब मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मोबाइल की बैटरी जो है वो शायद सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो क्या करना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो, ताकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव हो, अच्छी हो, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल करने में हम लोग को हेल्प मिलती है। एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एफिशिएंसी, हम लोग अपनी अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इससे जो सामान जो वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। एक रोबोट, एक पर्सन जो कार को पेंट करता था अपने हाथों से, हो सकता है पेंट करने के दौरान वो इधर उधर थोड़ा गिरा दे, कहीं ज्यादा पेंट यूज कर ले, कहीं कम यूज कर ले, मतलब सही तरीके से कार पेंट ना हो। लेकिन अगर एक रोबोट अगर पेंट करेगा कार को, एक रोबोट जब कार को पेंट करता है तो वो बहुत एफिशिएंट तरीके से पेंट करता है, मतलब कहीं बहुत ही कम वेस्ट होने देगा, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा पेंट कर दिया, कहीं कम पेंट कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत एफिशिएंट तरीके से पेंट करेगा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। और ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ प्रोडक्ट ऐसा कुछ जब होगा तो इससे क्या होगा, हमारी रिसोर्स बचेंगे, हमारी रिसोर्सेज जो है वो सेव होगी, और रिसोर्स सेव होगा तो हमें पॉल्यूशन से लड़ाई करने में, कॉम्बैट करने में हेल्प मिलेगी, मतलब ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट इज हम लोग अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकेंगे, हम लोग कंजर्व कर सकेंगे, है ना, रिसोर्सेस, वी कैन कंजर्व रिसोर्सेस, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्सेस, यहाँ पे आप जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखो मैंने फोकस किया है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे देखो आप मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों के ऊपर मार्क किया है, तो ये क्या दोनों चीजें अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैं लिखता हूं और यहाँ पे मैं इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखता हूं, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है कि अलग है। आंसर है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है वही हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग बोलते हैं, जब मैं सिंपली मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपके मन में कौन सी इमेज आती है, आपके मन में एक इमेज आती होगी कहीं फैक्ट्री होगा, लोग काम कर रहे होंगे, वहां पे इंजीनियर्स हो सकते हैं, वहां पे अकाउंटेंट होगा, वो हिसाब किताब रखेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा, है ना, वहां बड़ी बड़ी मशीनें होगी, ऐसा कुछ पिक्चर आपके माइंड में आता होगा जब कभी मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का देखो मतलब होता है हाथ से बनाना, टू मेक बाई हैंड। देखो जब बहुत पहले जब इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जब नहीं थी तो उस समय मैन्युफैक्चर तो हाथ से ही होती थी, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि टू मेक बाय हैंड, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि लोग जो है वो हाथों से बनाने की जो ये प्रैक्टिस जो है ये कम होती गई, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीन आती गई, तो आज के डेट में जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जब बोलते हैं तो हम लोग मशीनों से अगर कोई चीज को बनाते हैं उसको भी मैन्युफैक्चरिंग ही बोलते हैं। मान लो कहीं पे मशीन से मोबाइल बन रही है तो क्या हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यस।
मान लो हम लोग कहीं बोलेंगे, कहीं हाथ से मान लो क्या बना रहा है कोई पर्सन, पापड़ बना रहा है ना, पापड़ बना रहा है, तो क्या हम लोग उसको बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? यस, उसको भी बोलेंगे, ठीक है। तो हाथ से बनाए या मशीन से बनाए, दोनों ही केस में बोलते हैं, पहली बात। नाउ, तो जैसा ही मैंने बताया, अच्छा एक और दूसरा टर्म है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री एक एरिया है ना, इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एक जगह है, एक एरिया है जहां पे क्या होता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जहां पे बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जहां पे बहुत सारे अकाउंटेंट बैठे रहेंगे, वो अकाउंट मैनेज करेंगे कहां पे कितने पैसे आए, कितने सामान आए, कितने सामान गए, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जब कभी इंडस्ट्री बोलते हैं तो हमें ये समझ में आता है। अब इंडस्ट्री जो टर्म है ये काफी ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं ना, तो इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोग लेते ही है ना, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग सेम ही समझते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो कुछ सामान बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग बोल रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, कुछ तो प्रोडक्ट बन रहा है ना, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। और इंडस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, इंडस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन इंडस्ट्री बहुत बार हम लोग ऐसा टर्म यूज करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में कहां कौन सी फैक्ट्री है? टूरिज्म इंडस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं तो क्या उसमें कहीं पे कोई फैक्ट्री है जहां पे टूरिस्ट बनाए जाते होंगे फैक्ट्री के अंदर? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो दैट मींस इंडस्ट्री जब हम लोग बोल रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ये भी समझ सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ना भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, है ना, कुछ ना भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। तो जब कभी भी हम लोग इंडस्ट्री हम लोग बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट बनाई जा रही हो फैक्ट्रीज में, या फिर हो सकता है कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बनाई जा रही हो, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में तो फैक्ट्री में कुछ लेना देना नहीं है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इंडस्ट्री बहुत ही वाइड टर्म है, इंडस्ट्री बहुत ही वाइड टर्म है। अब इंडस्ट्री इक्वल्स टू, ये इंडस्ट्री है, मान लो इंडस्ट्री इक्वल टू अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अगर बोलते हैं तब तो गलत होगा ना, क्योंकि इंडस्ट्री में तो हम लोग फैक्ट्री वाले चीजें भी आती है और विदाउट फैक्ट्री वाले चीजें भी आती है, जैसे विदाउट फैक्ट्री कौन सा होगा, टूरिज्म। तो हम लोग अगर ये दोनों को सेम बोलेंगे तब तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो होता है सामान बनने वाला, है मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, तब क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में तो फैक्ट्री वाली चीजें और विदाउट फैक्ट्री वाली चीजें भी आती है, और मैन्युफैक्चरिंग में तो सिर्फ फैक्ट्री वाली चीजें आती है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो याद रखो, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब बोलते हैं उसका मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना, है ना। जब हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं मोबाइल बन रही है तो उसको हम लोग बोले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और सिर्फ अगर मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हो तो वहां पे विदाउट फैक्ट्री वाली चीजें भी आ सकती है, ठीक है। तो अगेन एट द एंड मैं रिपीट कर दूं सिंपल सी वर्ड में, बहुत ही सिंपल से वर्ड में मैं इस चीज को अगर मैं रिपीट कर दूं, मैं अच्छा इसको इरेज कर लेता हूं पहले एक बार, सिंपल से वर्ड में इरेज कर मैं आपको समझा दूं कि बेसिकली क्या करना है आपको। इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री जो वर्ड है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इंडस्ट्री जो वर्ड है दैट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब इंडस्ट्री में दो तरह की चीजें, एक फैक्ट्री वाली चीजें और एक विदाउट फैक्ट्री। फैक्ट्री वाली चीजें मतलब मान लो मोबाइल बन रही हो, अब विदाउट फैक्ट्री जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री, फैक्ट्री वाली चीजों के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो यहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया और यहां पे वर्ड यूज किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो सिंपल सा ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग जब बोल रहे हैं तब उसमें फैक्ट्री वाली चीजें और विदाउट फैक्ट्री वाली चीजें दोनों आ सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब हम लोग बोल रहे हैं तो सिर्फ उसमें फैक्ट्री वाली चीजें आएगी। समझ में आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा ये जो टॉपिक है, यहां हम लोग देखते हैं मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग देखे तो काफी सारे मशीनें यूज होती है, हम लोग ने ऑलरेडी देखा, हम लोग ने ये भी देखा स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। यहाँ पे काम जो किया जाता है इसको एफिशिएंट बनाने के लिए लोगों का बहुत सारा काम मशीनों को दे दिया जाता है ताकि बहुत ही लो कॉस्ट में सामान बन सके। और ऑफ कोर्स जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जब होती है तो बहुत सारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वास्ट कैपिटल, बहुत पैसे लगते हैं फैक्ट्री बनाने में। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, मतलब वहां पे आप देखोगे काफी सारे ऑफिसर्स होंगे, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वहां पे, मैनेजर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, है ना, वहां पे एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, काफी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होगी वहां पे,
ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक था पार्ट वन से। देख हम लोग ये लास्ट वाली हमारे टॉपिक है, इसको भी हम लोग जरा अगर देख ले, तो अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो क्या पूरा वर्ल्ड में सभी जगह इक्वल वे में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? नहीं। आप अफ्रीका में देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है क्या? नहीं नहीं है वैसी। मतलब क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये कंसंट्रेटेड है कुछ स्पेशल एरियाज में। ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है ये कुछ एरिया में कंसंट्रेटेड है। पूरा वर्ल्ड में जो भी मैन्युफैक्चर होता है ठीक है, ये हम लोग देखे स्पेशली वर्ल्ड के लगभग 10% एरिया में सिमटा हुआ है। वर्ल्ड की 10% एरिया, जैसे मान लो ये मान लो पूरा अगर वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड में क्या हर जगह मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं, पूरा वर्ल्ड का मान लो कोई एक साइड में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, और जहां पे होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उन कंट्रीज को देखोगे वो लोग इकोनॉमिक तौर पे, इकोनॉमिक वे में या पॉलिटिकल वे में काफी पावरफुल होते हैं। स्पेशली जैसे यूएसए को देखो, यूरोपियन कंट्री को देखो, काफी पावरफुल होती है ना। तो हम लोग ये देखते हैं। और अगर हम लोग अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री अगर आप लगाओ है ना, तो मान लो एक कितना एरिया में लग गया, मान लो 5 एकड़ की एरिया में आपको अपने एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगा दी फॉर एग्जाम्पल। अब वहां से आपने कितने पैसे कमाए, वहां से आप एवरीडे आप कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़। एक कंपनी 5 एकड़ जमीन में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाती है और वो हर दिन वहां से अर्न करती है 1 करोड़। लेकिन तुम सोचो अगर 5 एकड़ की लैंड में, 5 एकड़ की लैंड में अगर मैं मोबाइल बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा के मैं एग्रीकल्चर करूं, मैं खेती करूं, तो क्या मैं 1 करोड़ कमाऊंगा 5 एकड़ की लैंड में? नहीं। हो सकता है मैं वहां से सिर्फ एक दिन में 1000 रुपए कमाऊं। मतलब बहुत कम लैंड में बहुत ज्यादा अर्न होती है कहां, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की अगर हम लोग बात करें, वहां पे एरिया जो है रिक्वायरमेंट कम होती है एग्रीकल्चर के कंपेयर में, अब प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में आप देखोगे फैक्ट्रीज जो होती है, बहुत छोटी सी फैक्ट्री होती है, आपको 100-100 लोग काम करते हुए दिख जाएंगे वहां पे है ना। तो बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं एज अ रिजल्ट। और ऐसा क्यों? ताकि जो है कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि देखो वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो चाइना में बनाई। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि चाइना में जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ने अपने फैक्ट्रीज को बनाया। क्यों ऐसा? चाइना में ही क्यों? बिकॉज चाइना में प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ता है। चाइना में वहां पे लेबर्स आराम से मिल जाते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली अवेलेबल है। एज अ रिजल्ट वहां पे हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ताकि लेबर बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। वहां पे लेबर को मान लो 1 महीने में सैलरी देना पड़ता होगा 10,000। अब वही अगर लेबर अगर मान लो जर्मनी में हो तो उसको 1 महीने का सैलरी में भी देना पड़ता होगा मान लो 20,000। तो कंपनियां कहां जाएंगी? चाइना में जाएंगी, क्योंकि 10,000 में काम निकल आएगा। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, तो फिर इंडिया में भी तो लेबर सस्ता है, इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि देखो सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी रोडें होनी चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, एक एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे सही तरीके से बिजनेस किया जा सके। तो इंडिया में पॉपुलेशन तो हाई है, लेबर तो सस्ता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। हमारी जो गवर्नमेंट जो है, चाहे अभी की गवर्नमेंट की बात करें या उससे पहले की गवर्नमेंट की बात करें, वो सभी गवर्नमेंट काफी तेजी से ट्राई कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाया जा सके, ताकि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी को हम लोग अपने कंट्री में भी बुला सके। और कंपनियां आ भी रही है, ठीक है, कंपनियां आ भी रही है। रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रहा था, मैं देख रहा था कि जो इंटेल जो कंपनी है ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा इंटेल कंपनी है ना, जो चिप बनाती है, ठीक है, तो इंटेल कंपनी जो है वो इंडिया में अपना प्लांट स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, मैंने ऐसा करके न्यूज देखा था। तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी जो है, आज के डेट में भी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जैसे एप्पल कंपनी की फोन इंडिया में बनती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है। ठीक है, तो इंडिया में भी जो इंडस्ट्री जो है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है, ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ऑफकोर्स टाइम लगेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक ये टॉपिक में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो जो आएगी, जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी, वहां पे मैं बात करूंगा कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशंस को। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, मैं सभी को यहां लिख नहीं सकता हूं, तो मैंने बस शॉर्ट में लिखा है। और इसके अलावा फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है, ये हम लोग समझेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और एट द एंड बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।